जेपीएनआईसी में आज प्रतिमा पर माल्यार्पण करने को लेकर प्रशासन ने अनुमति देने से रोक लगाई थी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव गेट को फांद के अंदर पहुंचे थे। सामने की तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन जो है वो भारी अवस्था में यहां पर तैनात है। तमाम पुलिस के आला अधिकारी, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता भी यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ दीपक रंजन भी मौजूद है। दीपक जी, क्या लग रहा है आपको, क्यों नहीं अनुमति दी गई थी आज? देखिए, आज सिद्धे लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है और हर वर्ष यहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी यहाँ पर आते हैं और लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की अथाई सरकार ने आखिरी समय पर गेट बंद करके, बैरिकेडिंग करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से को वहाँ तक मूर्ति तक जाने में रोका, माल्यार्पण करने से रोका। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ना तो महापुरुषों का सम्मान करती है और ना ही किसी को चाहती है कि कोई माननीय या किसी महापुरुषों का सम्मान करे। लेकिन आज सही रूप में जयप्रकाश नारायण आंदोलन जी, जेपी आंदोलन जी की याद ताज़ा हो गई। आज जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने मूर्ति पर पहुंच करके, मूर्ति पर आदरणीय लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के मूर्ति पर माल्यार्पण करने का काम किया, तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की शासन प्रशासन महापुरुषों के सम्मान में कभी समाजवादियों को रोक नहीं सकती है। और आज जिस तरीके से आप लोग ने देखा और आप लोग देख रहे हैं, किस तरीके से पुलिस का पूरा यहाँ से वहाँ तक पुलिस पीएसी और पुलिस के अधिकारी यहाँ पे तैनात हैं, और निश्चित रूप से ये जेपीएनआईसी समाजवादी सरकार की देन है। समाजवादी पार्टी की सरकार में जयप्रकाश नारायण जी को याद करते हुए इतना क्या लगता है दीपक जी, अंदर की जो स्थिति है, हालात है, वो जर्जर हो चुकी है, इस वजह से रोका जा रहा था कि असलियत सामने ना आ पाए? देखिए, आज समाजवादियों का मुख्य उद्देश्य यह था कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है, हम लोग उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करके उनको हम लोग याद करना चाहते थे, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अथाई सरकार ना मालूम क्यों डरी हुई थी, क्योंकि 2017 तक जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी तभी तक यहाँ पे काम हुआ। भव्य इमारत आपने देखी होगी, अभी कैसा भव्य इमारत समाजवादी सरकार में बन करके तैयार हुआ। आज ऑडिटोरियम का बद से बदतर हाल है, अंदर घास वगैरह इस तरीके से जो है और टाइल्सें टूट टूट करके गिर रही हैं। अभी अंदर हमने देखा कि बड़ी स्थिति खराब है, तो मैं समझता हूँ सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अविलंब संज्ञान लेते हुए, और यदि वो लोग लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी को असली चाहने जाने और मानने वाले लोग हैं, तो निश्चित रूप से इसका काम इनको अविलंब शुरू करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ दीपक रंजन मौजूद थे। और इन सभी का कहना यह है कि अखिलेश यादव ने आज जो अलख जगाने का काम किया है, ये आंदोलन लगातार इसी तरीके से चलता रहेगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।